नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। चार गुआंश के साथ पशु तस्कर गिरफ्तार। आवारा पशुओं को इकट्ठा कर करता था उसकी तस्करी। खाकी बाबा मंदिर के पास से गौ तस्कर को नगरा पुलिस ने पकड़ा। खबर जनपद बलिया से। पुलिस व सरकार की लाख कोशिशों के बाद ही गौ तस्करी का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन तस्करी के फिराक में लगे गौ तस्कर पकड़े जाते हैं या किसी सुरक्षित रास्ते से तस्करी को अंजाम देते हैं। अभी हाल ही में सिकंदरपुर के कथौड़ा के पास नाव में लादकर पशुओं को तस्करी के लिए बिहार ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। इसमें एक सिपाही की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई। आज एक बार फिर नगरा पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चार गौंश बरामद किए गए। नगरा थाना अध्यक्ष अतुल कुमार मिश्र ने बताया, नगरा थाने के उप निरीक्षक छन्नू सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में मौजूद थे, तभी उन्हें मुखबिर की तरफ से यह सूचना दी गई। भूलन उर्फ राजू नट, पुत्र बाबूलाल नट, ग्राम आलमपुर थाना गढ़वार, चार आशी ग्वास पशु के साथ उस हाकी बाबा मंदिर के बगल में ग्राम खनवार के पास मौजूद है। नगरा पुलिस ने तड़के सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ नगरा थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर माननीय न्यायालय भेज दिया। पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट में यह बताया गया, अभियुक्त गौ तस्करी के लिए आवारा व अन्य पशुओं को इकट्ठा कर गौ तस्करी के फिराक में था। इससे पूर्व ही नगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट।